बयानाडीह क्षेत्र के पसोपा में साधु द्वारा आत्मदाह को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी बयाना के तीनों मंडल शहर ग्रामीण और बंद बारेठा द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान सरकार के खिलाफ 5 महीन राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। भाजपाइयों ने बताया कि भरतपुर जिले के डीप उपखंड के गाँव पसोपा में पिछले 551 दिन से चल रहे साधुओं के धरने पर चेतावनी देने के उपरांत एक साधु विजय बाबा द्वारा आत्मदाह करने की कोशिश की गई, जिससे वह 85% तक जल गया। ब्रज की धरोहर कलकांचन पर्वत को संरक्षित करने हेतु ब्रजवासियों एवं साधु संतों द्वारा शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा था। इस धरने के दौरान प्रशासन और धरने पर बैठे साधु संतों व गाँव के लोगों के मध्य वार्ता हुई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री स्तर पर सरकार एवं धरनार्थियों की वार्ता के बाद संपूर्ण कलकांचन पर्वत को संरक्षित करने की बात तय हुई, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण साधु संतों की मांगे पूरी नहीं हुई। इस कारण मजबूरन आत्मदाह का प्रयास साधु विजय बाबा द्वारा किया गया। घटना बहुत शर्मनाक है और स्वयं मुख्यमंत्री की वादा खिलाफी के कारण घटना हुई है। अतः ग्रामवासी मांग करते हैं कि संवेदनशील एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा नैतिकता के अधिकार पर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य ऋषि बंसल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जगमोहन कटाना, शहर मंडल अध्यक्ष आनंद उपाध्याय, भाजपा विधानसभा प्रत्याशी रीनू बनावत, महामंत्री मनोज मुर्रकी, सतीश तिवारी, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष विश्वेंद्र कसाना, दिनेश कसाना, बच्चू चौधरी, रघुवीर कटाना, लोकेश कटाना आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 551 दिन से संतों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। सरकार पहले से जानती थी कि संत साधु जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अल्टीमेटम दे चुके हैं, आत्मदाह का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने इसमें कोताही बरती। और एक संत महात्मा विजयदास जी महाराज ने कल आत्मदाह करने का प्रयास किया, 85% तक वो जल चुके हैं। और ऐसी शर्मनाक घटना जो हुई कि हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है ये कि किसी संत को क्षेत्र के कर्नाटक को बचाने के लिए ऐसे आत्मदाह करना पड़ रहा है। हम सब लोग इसका इस घटना के विरोध में, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस विरोध में यहाँ पर एक ज्ञापन हमने राज्यपाल जी के नाम सौंपा है और इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं कि ऐसे समय में जब भारत विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन करने लगा और ऐसी घटनाएं हमारे भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है उसको बचाने में जो लोग लगे हुए हैं, साधु जन लगे हुए हैं, साधु संत लगे हुए हैं, उनको भी सुरक्षित हम नहीं रख पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ग्लानि का विषय है। मैं यही कहूँगी कि ऐसी घटनाएं सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है और सरकार को चेताना चाहती हूँ कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, अन्यथा आपको बहुत कड़ा विरोध भारतीय जनता का सहना पड़ेगा।